नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं संगम रॉय। बेगूसराय में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आया है, जहां एक युवक की करंट की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना एफसीआई थाना क्षेत्र के बिहट गांव की है। मृत युवक की पहचान बिहट निवासी स्वर्गीय बिष्णुप सिंह के पुत्र रामोदय सिंह के रूप में की गई। बताया जाता है कि मृतक रामोदय सिंह अपने बथान पर गाय के लिए चारा लगा रहा था। उसी दरमियान बगल में ही पोल के तार पहले से ही टूटा हुआ था और वह जाकर अचानक सट गया, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं फिलहाल एफसीआई थाने की पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गया है। परिजनों ने बताया कि विभाग को इसकी सूचना कई बार दिया जा चुका है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया। बेगूसराय टुडे के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। करंट लगने से उनकी मौत हुई है। उनका नाम क्या है? क्या नाम था? राम उदय सिंह। कहाँ के निवासी थे? बीहट इब्राहिमपुर टोला, वार्ड नंबर 29। क्या कर रहे थे? वो बथान था, गाय मतलब किसान थे और गाय वहीं पर गाय था, गाय के बगल में पोल था और पोल में करंट आ रहा था, मतलब 3-4 दिन से कि 10 दिन से करंट आ रहा था, किसी को पता नहीं। बगल में लोहा पोल था, सीमेंट पोल के बगल में, उसी में केबुल जो है वो रगड़ा करके धंसा करके मतलब शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद उसमें करंट आ रहा था, इनको पता नहीं था। गाय खोल के ले जा रहे थे, गाय घींच लिया। गाय घींचने के बाद क्या हुआ जो पोल के मतलब उसको नज़दीक चले गए, पोल में सटने बस उसी में सट गए, उसी में लिपट करके उनकी मौत हो गई। वो केबल जो लगा हुआ था उस पर किसी प्रकार का आपने कंप्लेंट किया था? हाँ, बहुत दिन से वो जैसे काम करके निकल गया था बिजली विभाग, जो ठेकेदार काम करके गया था उसको बगल से पोल हटा देना था, बिजली का पोल के बगल में लोहा का पोल उसको था काट के हटा देने का। वो हटाया नहीं, उसको कम से कम डिसमेंटिंग कर देता वहाँ से। सीमेंट पोल के बगल में लोहा का पोल रहने क्या जरूरी था, लोहा का पोल छोड़ दिया। लोहा का पोल छोड़ करके उसके कारण था, उसमें टच किया, टच करने के बाद उसमें करंट आ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शंकर सिंह। कौन लगते हैं आपको? भतीजा लगता है।